कुलटी के बराकर में गत शनिवार को परिवार के ही एक सदस्य पर 5 महीने की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगा था। अब मृतका के परिजनों को शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। इसी के विरोध में बुधवार की सुबह बराकर पुलिस स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुलटी के बराकर में गत शनिवार को परिवार के एक ही सदस्य पर 5 महीने की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में मृतका के परिवार ने बराकर पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अब मृतक के परिजनों को शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। उन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसी के विरोध में बुधवार की सुबह बराकर पुलिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर शिकायत दर्ज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बराकर की रहने वाली मोबीना खातून ने आरोप लगाया कि उनको और उनके परिवार को धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनकी पोती को पानी में डुबोकर मार डाला गया। इस बारे में बराकर फाड़ी में शिकायत दर्ज की गई है। अभियुक्त उन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वे इस मामले को वापस ले। मोबीना खातून ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने उनकी सोई हुई पोती को अगवा किया और पानी में डुबोकर मार डाला। बाबू इंतकाल हुआ था उस दिन आके हम तीनों माँ बेटी का नाम दिए थे, मगर इनाम नहीं उठ रहा है कि हाँ तुम तीनों को नाम दिए। रिजवाना का दिए थे भाई, रिंकी का, गुड्डू का, आसिफा परवीन का। आगे बाबू हम बड़ा बाबू कौन था हम उतना नहीं, हम होश में उस दिन नहीं थे, इसीलिए हम आके बोले। और फिर हम लोग होश में नहीं थे, मेरा अपना मन मट्टी उट्टी दे के आए हैं तो यहाँ आके बोला नहीं तुम तीनों नाम नहीं दिए, एक गोटा का नाम दिए। तो हम ऐसे कैसे होगा बताइए, हम तो तीनों नाम दिए, नहीं तो जिकर उठा ही नहीं रहा है कि तुम तीनों नाम दिए। आज जो आप लोग पुलिस के पास आए क्यों आए? इसीलिए कल मेरे अम्मी को धमकी दी है कि तुम्हारा बेटा जहाँ देखेंगे मार देंगे। हम आए इसलिए कि कल हम जब हम वहाँ से आए हैं अपना नतनी को मिट्टी मंजिल करके और काम क्रिया करके कल हम वापस चले आए हैं। हम कमाएंगे ना तो खाएंगे क्या? हमारा 2-3 बच्चा है खाने वाला, हम हरिया बर्तन धो के खाते हैं। तो हम ये काम में उधर से जब 2 बजे हम लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये लोग रोड में हमको रोका और रोक के बोल रहा है क्या चाहती है तुम, केस उठाएगी कि तुम्हारा एक लड़का है उसको भी मार के फेंक दें, तुम केस उठा लो ना तो एक जो है उसको भी मार के फेंक देंगे। कौन लोग हैं? गुड्डू और उसकी बीवी। तो इसीलिए हम बोले ठीक है, और अगर हमको तुम यहाँ पर टॉर्चर क्यों कर रहा रोड में, अगर तुमको तो हमको बोलना है चलो मोहल्ला घुस के बोलो यही बात सबको, हमको रास्ता में क्यों टॉर्चर करता है? केस आप क्यों किए थे? केस किए हमारा नातनी को पानी में डुबा के मारा। उन्होंने कहा कि वे बर्तन मांजने का काम करती हैं। रात में जब अपने काम से लौटी तो देखा कि उनकी पोती सो रही थी, फिर वो किसी काम से दूसरे स्थान पर गई। जब वहां से वापस आई तो देखा कि उनकी पोती नहीं है। उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन उनकी पोती कहीं नहीं मिली। अभियुक्त महिला उस समय उनके घर के आसपास खड़ी थी। मोबीना खातून ने बताया कि उन्होंने महिला से पूछा लेकिन उसने कहा कि उसे पता नहीं है कि उनकी पोती कहाँ है। इसके बाद जब वो मोहल्ले के दूसरे घरों में अपनी पोती को ढूंढने लगी तो देखा कि उनकी पोती घर में ड्रम में रखे पानी में पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत अपनी पोती को उठाया और अस्पताल ले गई लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনার বাড়ি অথবা অফিসটিকে সুসজ্জিত করার জন্য আপনার পাশে আছে শুধুমাত্র লাক্সারি হোম ফার্নিচার অ্যান্ড ডেকর। এখানে পেয়ে যাবেন বেড, ওয়ারড্রব, ড্রেসিং টেবিল, সোফা কাম্বের, ডাইনিং সেট, যে কোনো ধরনের অফিস ফার্নিচার, মাল্টিপারপাস ক্যাবিনেট, ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন থাকছে, 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, এছাড়াও ইএমআই ফেসিলিটিস এবং আপ টু 50% ডিসকাউন্ট। আমাদের ঠিকানা লাক্সারি হোম ফার্নিচার অ্যান্ড ডেকর, NSB রোড, তার বাংলার রানীগঞ্জ, ফার্স্ট ফ্লোর, গৌরহরি অ্যাপার্টমেন্ট, অপোজিট HDFC ব্যাংক, মোবাইল নাম্বার 9933776255 এবং 9378293570।